हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति 17.8% है और इसका लिंगानुपात 922, और अनुसूचित जनजाति राजस्थान में 13.5% है और इसका लिंगानुपात 947 लोग। राजस्थान के उत्तरी भाग में हम लिखे हैं अनुसूचित जाति और दक्षिणी भाग में अनुसूचित जनजाति। तो उत्तरी भाग में जयपुर में 10 लाख सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या दक्षिण में उदयपुर में 15 लाख। यहाँ पे उत्तरी भाग में अनुसूचित जाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत घटता जाएगा। गंगापुर में सर्वाधिक 36.6% जनसंख्या का जो है वो अनुसूचित जाति है, और नीचे डूंगरपुर में सबसे कम 3.8% जो है जनसंख्या का वो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति में उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी भाग में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में 76.4% जनसंख्या का जो है अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, और उत्तर की तरफ घटती जाएगी। बीकानेर में केवल 0.3% जनसंख्या का जो है अनुसूचित जनजाति है। राजस्थान की कुछ प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी है मीणा पहले नंबर पे। यह अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है और कुछ उदयपुर में भी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे भील दक्षिणी राजस्थान में। तीसरी गराशिया, ये भी दक्षिणी राजस्थान में। इसके अलावा डामोर पाई जाती है, ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। इसके बाद है सांसी, सांसी भरतपुर में पाई जाती है, और सहरिया तथा कथेड़ी जनजाति बारा में पाई जाती है। इसके अलावा कंजर जनजाति है जो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। इसमें सहरिया आदिम जनजाति है, कंजर आपराधिक प्रवृत्ति की जाति है, और कथेड़ी खेर के वृक्षों से कत्था बनाने के लिए प्रसिद्ध है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से दबा दीजिए।